अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर जमशेद सरमद और एक बार फिर आपके सामने हाजिर हूं एक छोटे से वीडियो क्लिप के साथ जो कि मालूमात से भरा है। और ख़ास तौर पर मैं इस वीडियो में उन लोगों को मुखातिब करना चाहता हूं, मेरे वो किसान और फार्मर बहन और भाई लोग जो कि परेशान रहते हैं अक्सर इस शिकायत के साथ कि हमारी गाय है, हमारी भैंस है, हमारी जो भेड़ है या बकरी है वो खाना नहीं खा रही, वो अभी कुछ दिन पहले सुई है और अब चारे को मुँह नहीं लगा रही, उसने पट्ठे खाना बंद कर दिए हैं, उसने पूरी खाना बंद कर दी है, उसको भूख नहीं लग रही, वो वजन नहीं पकड़ रही। ऐसी शिकायत का अक्सर बहुत से बहन भाई जो है हमें या तो फोन करते हैं या हमारे पास आते हैं, मैसेज करते हैं। तो इन सवालों के लिए जो है इन सवालों का जवाब देना चाहता हूँ, इसके लिए बहुत ही आसान सा हल जो है वो बताना चाहता हूँ। वो लोग खासतौर पर जिनके पास तीन जानवर हैं, पाँच जानवर हैं, ऐसे जानवर रखने वाले ज़रात हैं जो कि वंडा अफोर्ड नहीं कर सकते, बड़ी बड़ी कंपनियों की जो है खुराक नहीं खरीद सकते और चाहते हैं कि उन्हें घरेलू एक आसान सा नुस्खा बता दिया जाए, उनके लिए मैं बहुत ही नायाब और अनमोल एक चीज़ लेके आया हूँ। आप यकीनन उसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे दुआएं देंगे। तो सबसे पहले मैं उन लोगों के लिए बात कह देता हूँ जिनकी जो है कोई भैंस या गाय अभी एक घंटा पहले, दो घंटा पहले, दो दिन पहले, एक दिन पहले सुई है और अब वो जनाब चारा नहीं खा रही। ये लोग जो है काफी पेंसिल उठा लें और ये बहुत ही नायाब चीज है, इसे लिख लें। आपने क्या करना है कि आधा पाव जो है बड़ी इलायची ले लें और आधा पाव जो है आपने लेना है मीठा सोडा। बड़ी इलायची को कूट लें, मीठा सोडे के अंदर जो है मिक्स कर लें और उसके बाद आपने इसको एक पाव या आधा किलो गुड़ के अंदर जो है इसको मिला लेना है और इसको इसे जो है एक बॉल जो है या पिन्नी की तरह की जो चीज़ है वो बन जाए। आपने इसे जो है एक जो है टेनिस बॉल या जिसे बच्चे क्रिकेट खेलते हैं उस गेंद की तरह जो है आपने पेड़े की तरह बनाकर आपने जो है रोटी के साथ जो है अपनी गाय को अपनी भैंस को दें और इसी की आधी मकदार जो है आप भेड़ या बकरी को दें। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है बहुत जल्द से भूख लगेगी, अच्छी तरह खाएगा और जितना ज़्यादा खाएगा उतना ज़्यादा दूध आपको जो है जानवर देगा। फिर हम आ जाते हैं उन लोगों की तरफ जो जो है जिनके जानवर से इतना खाना वैसे नहीं खाते और कमज़ोर हो गए हैं। आप कहते हैं जी वो पट्ठे उसे पसंद नहीं आ रहे या हमने कुछ देर पहले जो है खुराक बदली है पर नई खुराक जो है वो जानवर खा नहीं रहा, उसे पसंद नहीं आ रही, या ऐसे जानवर जिनको जो है कुछ दिन पहले आप किसी और शहर से गाड़ी में डाल के कहीं और लेके गए हैं और उसे नई जगह पसंद नहीं आ रही। ये बहुत सारी जो है वजूहत है जो जानवर को स्ट्रेस में रह जाते हैं, यानी जानवर उन चीज़ों से परेशान हो जाता है, जानवर खाने से उसका ध्यान हट जाता है और उसका मैदा जो है वो किसी वजह से ख़राब है और वो जो है उसके जो है उसके अंदर जो कुछ एक खास एनवायरनमेंट होता है उसके मैदे का जो किसी वजह से डिस्टर्ब हो जाता है, ख़राब हो जाता है। तो इसके लिए मैं बहुत ही नायाब नुस्खा जो हूँ आपको बताने लगा हूँ। आप ये जो है रोज़मर्रा की ज़िंदगी के अंदर अगर आप जानवरों की खुराक में से शामिल कर देंगे आसानी से घर पर बनाकर, तो आप देखेंगे आपकी पैदावार जो है जानवर की चाहे वो गोश्त की है या दूध की है बेशुमार बढ़ जाए। तो जनाब अब मैं एक और जो नुस्खा दूसरा आपको बताने जा रहा हूँ ओवरऑल जो है जानवर की हेल्थ के लिए, उसकी सेहत के लिए और उसकी भूख इससे बहुत बढ़ जाएगी और उसकी जो है क्या उसे कह सकते हैं हम कि उसका जो हाजमे का निज़ाम है बेहतरीन हो जाएगा। तो ज़रा तवज्जो कीजिए, लिख लें इसे भी। इसके अंदर आपने क्या करना है कि आपने आधा किलो ले लेनी है सौंफ, ठीक है, आधा किलो सौंफ आपने ले ली। इसके बाद आप ले लीजिए आधा किलो आप ले लें सोए, सोए भी मिल जाते हैं बाजार से, आप आधा किलो सोए ले लें। आधा किलो आप ले लें अजवाइन और आधा किलो जो है इसी तरह आपने ले लेने हैं कोड़तुमे, ठीक है। इन सब को कूट कर आपने क्या करना है, आपने इन सबको कूट कर एक किलो या दो किलो गुड़ के अंदर आपने शामिल कर लेना है। बाकी जो तरीकाकार है वो सेम है, या तो आप उसकी गेंद बनाकर रोटी के साथ खिला दें या वैसे आपके जानवर के मुँह में रख दें। बड़े जानवर के लिए एक क्रिकेट गेंद की जितना और जो छोटे जानवर हैं उसके लिए उससे आधा जो है आपने ये जानवर कराना है। इंशाल्लाह आपका जानवर जो है अच्छी तरह खाएगा, उसका हाजमा बेहतरीन हो जाएगा और आप मुझे दुआएं देंगे। इसके अलावा ऐसे लोग जिनके जानवर अभी आप कुछ दिन पहले किसी बीमारी से गुजरे हों, उन्होंने खाना पीना छोड़ दिया, उनके लिए जो है और कमज़ोर हों उनके लिए मैं एक और छोटी सी बात जो है बताने जा रहा हूँ। आपने क्या करना है, उसे नरम गज़ा देनी है। कोशिश करें तूड़ी से या पट्ठे जो आप सूखे पट्ठे डाल रहे हैं ये कुछ दिन ना दें। जानवरों को ऐसे मौके पर बहुत ज़्यादा ताकत चाहिए होती है, इसके लिए आप ये करें कि आप जो है गंदम, हर घर में होते हैं गंदम,
जो किसानों के पास तो अक्सर गंदम आसानी से दस्तियाब होते हैं, तो आप गंदम ले लें और उसे उबाल कर वो जानवर को खिलाएं, जिसे आमतौर पर घुंगड़ियाँ, ये लफ्ज़ आप लोगों ने सुना ही होगा, घुंगड़ियाँ पंजाबी में हमारी कहते हैं है, या घुंगड़ियाँ कहते हैं, या फिर उसके अलावा आप जो दलिया आसानी से मैसर है घरों के अंदर, आप वो उबाल के जानवरों को दे सकते हैं। इसके अलावा जो है बाजरा, ये बहुत ही ताकतवर जो है जानवरों के लिए ऐसी एक हालत के अंदर गिजा है, आप इसे भी उबाल कर, लेकिन आपने उबालना लाजमी है, उबाल कर थोड़ी सी मिकदार जो है ये अपने जानवरों को दें, इंशाल्लाह जो है उसकी कमजोरी दूर हो जाएगी, वो आसानी से खाएगा। और बाकी नुस्खा जात जिसे जो मैंने आपको बताया है, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो मैंने आपको नुस्खे बताए हैं, इनको हम जो अंग्रेजी जुबान या अपनी तालीमी जुबान में स्टमक पाउडर का लफ्ज़ जो है इनके लिए इस्तेमाल करते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां जो हैं इसको बेचती हैं, लेकिन मैंने आपको बहुत ही आसान लफ्जों के अंदर जो है ये नुस्खा आपके होश गुजार कर दिया है। यकीन करिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे, आप हमारी टीम को दुआएं देंगे। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी, फिर किसी दिन आपसे मिलेंगे किसी नए मौजू, किसी नए मालूमती मटीरियल के साथ, आप हमें हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।